तो हेलो एवरीवन, आपको आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि पीएम किसान योजना के तहत आपको ई केवाईसी कैसे करना है। इसके पहले हमने एक वीडियो बनाया था, उस समय मैं करने की कोशिश कर रहा था बट सर्वर नहीं चल रहा था। देखिए, आपको सिंपली क्या करना है, आपको यहाँ पर लिखना है पीएम किसान गूगल में जाके, और इसको लिखने के बाद आपका इस तरह पेज कुछ ओपन हो जाएगा और इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं, ये पीएम किसान की ऑफिशियली वेबसाइट आ जाती है आपकी स्क्रीन पे। और आपको बता दें, इसके पहले ये डेट ख़त्म हो चुकी थी। आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं, डेट लिखा गया है कि 31 जुलाई को डेट ख़त्म हो चुकी है, बट यहाँ पर अपडेट नहीं किया गया है। और ऑफिशियली नोटिफिकेशन मेरे पास है जो कि आया है, अब ये डेट 15 अगस्त हो चुका है। 15 अगस्त तक आप ई केवाईसी कर सकते हैं। यहाँ पर कैसे करना है, क्या करना है, आपको सिंपली ऐसे नीचे स्क्रॉल करके जाना है। और यहाँ पर नीचे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, पूरी ऑफिशियली वेबसाइट है। अब यहाँ पर देखिए, पहले ये सिस्टम नहीं था और ये अपडेट किया गया है। यहाँ पे क्या करना है मित्र, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। और जैसे इस पर क्लिक करते हैं, आपका सिंपली कुछ इस प्रकार से आ जाता है। आप अगर आपके यहाँ कोई एंड्रॉयड फ़ोन है या फिर आपके बच्चे फ़ोन को चलाने जानते हैं तो आप खुद कर सकते हैं, नहीं तो आप अगर रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो सिंपली आपको अपना आधार कार्ड और एक मोबाइल नंबर जो आपने रजिस्टर्ड करवाया था वो लेके आपको जनसेवा केंद्र पे जाना है। वो 10 से 20 रुपए आपके लेंगे और कर देंगे। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। अब आप अपना आधार कार्ड यहाँ पर डालेंगे, और जैसे ही आधार कार्ड डालेंगे, यहाँ पर आप सर्च पे ऑप्शन मारेंगे और आपका जो आधार कार्ड जिस मोबाइल से लिंक है उस पर एक मैसेज जाएगा, 5-6 अंक का जो OTP बोलते हैं, वो यहाँ पर ऑप्शन बन जाएगा और यहाँ पर आप फिल कर दीजिएगा। बस आपको सिंपली ऐसे कर लेना है, कुछ नहीं करना है, और यहाँ पर eKYC आपका सक्सेसफुल लिख देगा। तो ये था सिंपल बात। अब यहाँ पर और बातें अगर हम करें आपके, तो इसको हम बैक करते हैं, यहाँ से आप इसको कर लीजिएगा, अन्यथा आप जो है जनसेवा केंद्र पे जाके करवा लीजिएगा। कुछ लोगों का क्वेश्चन था कि हम अपना अपने गांव का लिस्ट कैसे देखें, तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऑप्शन बने हुए हैं, बहुत सारी चीज़। अपने फार्म की आप स्टेटस देख सकते हैं, अपने गांव में कितने लोगों को मिल रहा है वो चीज़ भी चेक कर सकते हैं। चलिए मैं किसी गाँव का चेक कर सकता हूँ, यहाँ पर बेनिफिशरी पर क्लिक करता हूँ। जैसे मित्र इस पर हम क्लिक करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं आप किस स्टेट के हैं, भारत के किसी भी राज्य के हैं। तो मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, मैं उत्तर प्रदेश पे ही क्लिक करूँगा, और मैंने उत्तर प्रदेश पे क्लिक किया। इसके बाद आपका जो भी ज़िला हो, कोई भी ज़िला हो, जो भी आप बागपत या महाराष्ट्र जो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर सब डिस्ट्रिक्ट पर क्लिक करेंगे, और इस प्रकार ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर फिल करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर लोड ले रहा है क्योंकि सर्वर डाउन है, मैं करके दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा वेट करते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप अपना जो है तहसील जो भी होगा आप सेलेक्ट कर लेंगे। ये सारी चीज़ें सेलेक्ट करने के बाद अभी देखिए आपके सामने कैसे आपका पूरा गांव का लिस्ट ओपन हो जाता है। बस थोड़ा सा वेट करिए, देखिए आपके समक्ष सारी चीज़ें लाइव में करके दिखा रहा हूँ। अब इसमें से जो भी आपका विलेज होगा आप अपने अकॉर्डिंग भर लेंगे और चेक कर लेंगे। तो चलिए, जो मैं जिस गाँव का चेक करना चाहता हूँ, मैं नीचे स्क्रॉल करके जाता हूँ, क्योंकि ब्लॉक में जितने गाँव हैं सभी गाँव यहाँ पर ओपन हो चुके हैं। तो इसमें से जो मैं जिसका दिखाना चाहता हूँ आपको यहाँ पर दिखा सकता हूँ। थोड़ा सा वेट करते हैं एक मिनट, यहाँ पर जो मैं चेक करना चाहता हूँ, ये देखिए पूरी डाटा मैंने फिल कर दी। यहाँ पर गेट रिपोर्ट पे आपको क्लिक करना है। मित्र जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके गांव की पूरी लिस्ट आ जाएगी। ये आप देख सकते हैं, ये सभी जितने नाम यहाँ पर दिए गए हैं सभी लोग पीएम किसान का जो है पेंशन पाते हैं, यानी कि हर तीसरे मंथ जो आपका आता है 2000 रुपये की किस्त। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस गांव में 6 पेज हैं, 6 पेज की अगर बात करें, 6 नंबर का पेज अगर हम ओपन करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 298 लोग हैं जो कि यहाँ पर पाते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं विश्वनाथ प्रजापति हैं, विवेक हैं, इस प्रकार और जितने भी लोग हैं, यानी कि इस गांव में मैं जो इस गांव का दिखा रहा था 296 लगभग 300 लोग पाते हैं। तो ऐसे आप चेक कर लीजिएगा, अगर कोई डाउट्स है, कोई प्रॉब्लम है तो एक बार आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। सो थैंक्स फॉर एवरीवन, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, और नेक्स्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।